नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है कामयाब डोनर्स कॉन्फ्रेंस। कॉलम निगार हैं मिर्जा इख्तियार बेग और आवाज़ है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी टीम के अलावा वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान ने जनेवा में एक कामयाब डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें आलमी डोनर्स एजेंसियों और 40 ममालिक ने पाकिस्तान के सैलाब बहाली मंसूबों के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर्स के कर्जे और इमदाद का ऐलान किया। ये बात खुशाइंद है कि दुनिया ने पाकिस्तान का ये मौकिफ तस्लीम किया कि माहौलियाती तब्दीली जो दुनिया में तेजी से रूनुमा हो रही है, इससे पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसका अंदाजा पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से लगाया जा सकता है, जिसमें हमें 30 अरब डॉलर्स के नुकसानात के अलावा सैकड़ों अफराद का जानी नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने अपना केस गुज़श्ता साल 6 नवंबर को माहौलियाती तब्दीली पर शर्मुल शेख मिस्र में उठाया था और आलमी बरादरी को बताया था कि पाकिस्तान में कार्बन का अखराज बमुश्किल 1% है, जबकि दुनिया में आलूदगी में इजाफा तरक्की याफ्ता ममालिक की वजह से है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, लिहाजा इस संगीन मसले को आलमी सतह पर हल करना होगा। दुनिया ने हमारे मौकिफ को मानते हुए कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर इसके लिए एक फंड कायम करने का ऐलान किया था, ताकि आलमी सतह पर इससे निपटा जा सके। इस दौरान पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा और आलमी इदारों से पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए माली इमदाद मांगी थी। अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में सैलाब और उसके बाद होने वाले नुकसानात का एतराफ किया था। हुकूमत पाकिस्तान के तखमीने के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत को कम अज कम 16.3 अरब डॉलर्स दरकार होंगे, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान 50% यानी 8.2 अरब डॉलर्स अपने वसाइल से अदा करेगी, जिसमें से 1.5 अरब डॉलर्स इस मद में पहले ही खर्च किए जा चुके हैं, जबकि बाकी रकम के लिए जनवरी 2023 में जनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के लिए 9.7 अरब डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया गया। पाकिस्तान को 8.7 अरब डॉलर्स इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से कर्जों की शक्ल में 3 साल में दिए जाएंगे, जबकि बाकी 1.8 अरब डॉलर्स मुख्तलिफ ममालिक और USAID की ग्रांट्स हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर्स की बजाय 9.7 अरब डॉलर्स की इमदाद मिली, जिसमें 80% कर्जे और 20% ग्रांट शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान का मल्टी लेटरल डोनर से 1% शरह सूद पर 3 अरब डॉलर्स का 40 साल में अदायगी का नर्म शराइत पर कर्ज का मामला भी आखिरी मरहले में है। इसके अलावा वजीर आजम और आर्मी चीफ के हालिया दौरे के मौके पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जखायर की सपोर्ट के लिए अपने 3 अरब डॉलर्स के सॉफ्ट डिपॉजिट्स को रोल ओवर करने के साथ 1 अरब डॉलर के इजाफी डिपॉजिट्स और 1 अरब डॉलर के तेल की मौखर अदायगियों की सहूलत देने का ऐलान किया है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने 2 अरब डॉलर्स के सॉफ्ट डिपॉजिट्स रोल ओवर करने के साथ 1 अरब डॉलर्स के इजाफी डिपॉजिट्स दिए हैं। हुकूमत की कोशिश है कि इसमें से ज्यादा फंड्स रवां माली साल में मिल जाएं, ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर जो फरवरी 2014 से 4.3 अरब डॉलर्स की कम तरीन सतह पर आ गए हैं, को सपोर्ट मिले। इस मौके पर डोनर्स का मुतालिबा है कि ये इमदाद शफाफियत, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग और मौसर तरीके से बहाली के मंसूबों पर खर्च की जाए, जिसकी ऑनलाइन प्रोग्रेस दस्तयाब हो। डोनर्स ने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान इतना बड़ा नुकसान अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसके लिए आलमी बरादरी मदद को आई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़िर असरात से बचने के लिए मुस्तकबिल में एक जामे हिकमत अमली के तहत इनके नुकसानात को रोकना होगा, जिसके लिए हमें फर्नेस ऑयल और LNG के बजाय 60% मुतबादल तवानाई, जिसमें हवा, सूरज, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है, से बिजली पैदा करना होगी। मुल्क में 30% गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को बिजली पर मुंतकिल करना होगा। कोयले की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाना होगी। सैलाब के पानी के जखायर के लिए छोटे डैम्स बनाना होंगे और मुल्क में शजरकारी मुहिम को वसी करना होगा। ये वो इकदामात हैं जिन पर अमल दरामद करके हम मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सकते हैं।
ये नहायत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद हम अपने कौमी वसाइल इतने भी नहीं कर सके कि अपनी इम्पोर्ट और माली अदायगियों को पूरा कर सकें, जबकि खत्ते में हमारे साथ आज़ाद होने वाले मुमालिक के ज़रे मुबादला के ज़खायर कई 100 अरब डॉलर्स हैं, जिसके लिए हमें बार बार आलमी फोरम्स में इमदाद के लिए जाना पड़ता है, जो खुददार कौमों को जेब नहीं देता और दुश्मन मुमालिक प्रोपेगेंडा करके हमारी और आने वाली नस्लों की खुददारी को ठेस पहुँचाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम मौजूदा हालात से सबक सीखें, अपने अखराजात कम करके ज़राअत के शोबे को खुद कफील बनाएं, ताकि खाने पीने की अशिया हमें इम्पोर्ट ना करनी पड़े, जबकि तवानाई के शोबे में हमें मुतबादिल तवानाई के ज़खायर से बिजली पैदा करके फर्नेस ऑयल और LNG की इम्पोर्ट पर खर्च होने वाले नाकाबले बर्दाश्त ज़रे मुबादला को बचाना होगा, वरना कशकोल हमारा मुकद्दर रहेगा। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।